इस मूवी की शुरुआत होती है एक बोट से, जहां पर एक आदमी अपने बच्चों को अलादीन शहजादी और एक जादुई चिराग के बारे में गाना गाते हुए कहानी सुना रहा होता है, जिसके बाद हम अगरबा नाम के एक किंगडम में अलादीन नाम के एक पक्के चोर को देखते हैं, जो अबू नाम के एक बंदर के साथ मिलके चोरी किया करता है और वही चोरी किया हुआ सामान को बेच के वो गरीब लोगों की मदद भी करता है। अब एक दिन उसी मार्केट में एक लड़की दो गरीब बच्चों को ब्रेड देती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होने पर शॉप ओनर उसका ब्रेसलेट लेने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रेसलेट लेते समय वहाँ अलादीन आ जाता है और अपने स्किल्स से दुकान वाले को चकमा देकर उस लड़की को बचाने की कोशिश करता है, पर जल्दी उस दुकान वाले को पता चल जाता है, जिसके बाद रॉयल गार्ड्स उन दोनों का पीछा करने लगते हैं। अब जैसे तैसे भागते हुए रॉयल गार्ड से पीछा छुड़ाकर अलादीन उस लड़की को अपने घर पर लेके आता है, जहां वो लड़की अलादीन को शुक्रिया बोलती है और अपना नाम डालिया बताती है। लड़की के हाथ की ब्रेसलेट और पहने हुए सिल्क के महंगे कपड़ों को देखकर अलादीन उसे प्रिंसेस की खास मेड समझता है और फिर दोनों अपने बारे में बातें करने लगते हैं, जहां अलादीन बताता है कि बचपन में ही उसने अपने माता पिता को खो दिया था एंड उसके बाद से ही अबू और वो साथ में रहते हैं। इसके बाद डालिया को दूर से कुछ बोट्स आते हुए नजर आती है और वो वहाँ से जाने लगती है, पर जाने से पहले वो अपनी ब्रेसलेट मांगती है जो कि उसके मॉम की आखिरी निशानी होती है, पर अबू वो ब्रेसलेट छिपा देता है, जिसे डालिया अलादीन को चोर बोलती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद घर आके अलादीन अबू को समझाता है कि ये ब्रेसलेट उसे चोरी नहीं करनी चाहिए थी। अब सीन चेंज होता है और हम सुल्तान के ट्रस्टेड काउंसिलर यानी कि वजीर जाफर को देखते हैं, जो मैजिक लैंप के मदद से सुल्तान के गद्दी को हड़पना चाहता है, लेकिन वो लैंप एक जादुई गुफा में होता है और एक अच्छा हम्बल इंसान, मतलब जिसका दिल हीरे का हो, वही सिर्फ उस केव के अंदर जा सकता है। अब क्योंकि जाफर में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं थी, तो वो बहुत टाइम से किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहा होता है जो उस केव के अंदर जाके जादुई चिराग को बाहर ले आ पाए। अब इधर पैलेस में अरब के प्रिंस सुल्तान की बेटी शहजादी जैस्मिन के लिए मैरिज प्रपोजल लेके आए हुए होते हैं, जहां हम देख सकते हैं कि वो मार्केट वाली लड़की असलियत में प्रिंसेस जैस्मिन होती है और डालिया उनकी मेड का नाम होता है। शहजादी को प्रिंस पसंद नहीं आता है, जिसके बाद जाफर सुल्तान को शीराबाद, जो कि जैस्मिन के मॉम का किंगडम होता है, उस पर हमला करने के लिए फोर्स करता है, लेकिन सुल्तान गुस्से में जाफर को मना कर देता है, पर जाफर उसकी जादुई छड़ी से सुल्तान को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ जैस्मिन आ जाती है और कहती है कि वो खुद सुल्तान बनना चाहती है और अपने आवाम की देखभाल करना चाहती है, बट क्योंकि कोई औरत सुल्तान नहीं बन सकती है, जिसके कारण सुल्तान उन्हें मना कर देते हैं और प्रिंस से शादी करने के लिए कहते हैं, ताकि उनके बाद वो प्रिंस सल्तनत को संभाल सके। लेकिन ये सब सुन के जैस्मिन बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और अपने रूम में चली जाती है। इसके बाद हम अलादीन को चुपके से पैलेस में आते हुए देखते हैं, क्योंकि वो उस ब्रेसलेट को लौटाना चाहता था, लेकिन जाफर का तोता यागो उसे देख लेता है और जाके अपने मास्टर को इन्फॉर्म कर देता है, जिसके बाद जाफर देखता है कि कैसे अलादीन इतनी आसानी से छिपते छुपाए रॉयल गार्ड्स को चकमा देकर वो प्रिंसेस के रूम तक पहुंच जाता है। अब इसके बाद अलादीन जैस्मिन से मिलके उन्हें उनका ब्रेसलेट लौटा देता है, पर क्योंकि अलादीन को अब भी लग रहा था कि वो लड़की प्रिंसेस की मेड डालिया है, तो इसलिए वो जैस्मिन से फिर से मिलने का प्रॉमिस करता है और उनका हेयर पिन ले जाता है, ताकि वो दोबारा उसे लौटाने आ सके। बट लौटते टाइम बदकिस्मती से गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और उसे रेगिस्तान में लेके जाते हैं, क्योंकि जाफर को लगता है कि शायद अलादीन वो हीरा हो सकता है जिसका इंतजार वो इतने समय से कर रहा है। जाफर अलादीन को बताता है कि वो जिस लड़की से मिला है वो कोई और नहीं बल्कि इस सल्तनत की प्रिंसेस है। इसके बाद जाफर उसे अमीर बनने का लालच देता है, जिससे वो जैस्मिन को इम्प्रेस करके शादी कर सके, और इसी चाहत में अलादीन भी जाफर का बात मान लेता है और लैंप लाने के लिए राजी हो जाता है। इवनिंग को वो लोग केव के सामने आते हैं। अब क्योंकि अलादीन स्पेशल था, तो इसलिए वो केव के अंदर सेफली पहुंच जाता है। वो गुफा खजाने से पूरा भरा हुआ होता है, जिसको देख के अलादीन और अबू भी टेम्प्टेड होने लगते हैं, बट क्योंकि जाफर ने उनको वार्न किया हुआ होता है कि लैंप को छोड़ के अगर वो लोग किसी और चीज को हाथ लगाएंगे तो वो लोग केव के अंदर हमेशा के लिए कैद हो सकते हैं, तो इसीलिए वो लोग किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाते हैं। अब तभी उनको गुफा के अंदर एक मैजिक कारपेट दिखता है, जो कि पत्थर के बीच फंसा हुआ था। इसके बाद अलादीन उस कालीन की मदद
मदद करता है और फिर लैंप लेने चला जाता है, लेकिन तभी नीचे गिरने से वो बाल बाल बच जाता है, पर एक बड़ा सा शाइनी रूबी नीचे गिर जाता है जिसको अबू उठा लेता है और साथ ही में अलादीन भी उधर लैंप उठा लेता है। अब क्योंकि अबू ने खजाने को हाथ लगाया होता है जिससे केव के स्पिरिट को गुस्सा आ जाता है और वो उनको मारने की कोशिश करता है। अब इसके बाद गुफा के अंदर चारों तरफ लावा बहने लगते हैं, लेकिन अलादीन और अबू मैजिक कारपेट की मदद से जैसे तैसे करके गुफा के एग्जिट तक पहुंच जाते हैं, जहां जाफर उनकी मदद करने से पहले उनसे लैंप मांगता है, लेकिन लैंप मिलने के बाद भी वो अलादीन को हेल्प ना करके उसे नीचे गिरा देता है। पर तभी अबू जाफर पर हमला कर देता है, लेकिन जाफर जैसे तैसे करके गुफा से बाहर आ जाता है, जिसके बाद गुफा का एग्जिट बंद हो जाता है और अलादीन एंड अबू उसी के अंदर फंस जाते हैं। अब इधर जाफर को अपने बैग में लैंप नहीं मिलने पर वो गुस्से में चिल्लाने लगता है, और इधर केव के अंदर अबू रिवील करता है कि हमला करते टाइम उसने जाफर से लैंप चुरा लिया था। अब धूल साफ करते हुए अलादीन उस लैंप को घिस देता है, जिसके बाद उसमें से एक पावरफुल जीनी निकलता है जो हजारों सालों से उस लैंप के अंदर कैद था। जीनी अलादीन को 3 विश मांगने के लिए बोलता है और हर विश के पहले आई विश यानी कि मैं चाहता हूँ बोल के लैंप को घिस के अपनी विश मांगने के लिए कहता है, और ये भी बोलता है कि कुछ चीजें हैं जो वो पूरा नहीं कर सकता है, जैसे कि किसी को प्यार करवाना और मरे हुए लोगों को जिंदा करना। अब इस सब के बाद अलादीन केव से बाहर निकलने के लिए विश मांगता है और जीनी अलादीन अबू और कालिन को गुफा से तभी के तभी बाहर निकल लाता है, जिसके बाद अलादीन जीनी से उसकी विश पूछता है। जवाब में जीनी बोलता है कि वो आजाद होना चाहता है और एक इंसान की तरह जीना चाहता है। अब ये सुनने के बाद अलादीन अपनी 3 विश में से लास्ट विश में उसे आजाद करने का वादा करता है, लेकिन जीनी उसे करेक्ट करके बोलता है कि 3 विश नहीं बल्कि 2 विश बची हुई है। बट अलादीन उसे बताता है कि उसने बिना लैंप को टच किए विश करा था, जिसके कारण वो विश काउंट नहीं होगा। अब अलादीन अपनी फर्स्ट विश में प्रिंस बनना चाहता है ताकि वो जैस्मिन से शादी कर सके। इसके बाद जीनी अलादीन को प्रिंस अली में ट्रांसफॉर्म कर देता है और अबू को एक हाथी में चेंज कर देता है और फिर बहुत सारे डांसर म्यूजिशियंस के साथ गाना गाते हुए पैलेस में चले जाते हैं। अब महल में सुल्तान उनका स्वागत करते हैं, जहां जाफर प्रिंस अली को उनके मुल्क के बारे में पूछताछ करने लगता है, पर जीनी के जादू के वजह से सुल्तान और प्रिंसेस को अलादीन पर शक नहीं होता है। अब सबके सामने अलादीन काफी अनकंफर्टेबल फील करता है, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं होता है कि एक प्रिंस कैसे बिहेव करते हैं, और घबराहट में अलादीन शहजादी को लेके कुछ गलत बोल देता है, जिसके कारण शहजादी नाराज होके वहाँ से चली जाती है। लेकिन सुल्तान प्रिंस अली को रात की पार्टी में इनवाइट करते हैं और उनको फिर एक बार मौका देते हैं शहजादी से बात करने के लिए। अब रात को पार्टी में जाफर अलादीन को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन जीनी उसे बचा लेता है। फिर जीनी उसे जैस्मिन से बात करने के लिए बोलता है, जिसके बाद जैस्मिन अलादीन के साथ डांस करती है, जहाँ डांस करने में जीनी अलादीन का मदद करता है। वो डांस करके जैस्मिन को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, पर फिर भी डांस के बाद शहजादी उसे कुछ खास बात नहीं करके वहाँ से चली जाती है। लेकिन इधर अलादीन हाल नहीं छोड़ता है, वो जीनी को डालिया से मिलने भेज देता है ताकि वो जैस्मिन के साथ अकेले में बात कर पाए। अब जीनी और डालिया के बाहर जाते ही अलादीन जादुई कारपेट के मदद से जैस्मिन के रूम में आ जाता है, पर जैस्मिन उस पर शक करने लगती है। अब ऐसी मुसीबत में जीनी उसका मदद करता है और मैप को चेंज कर देता है। फिर अलादीन जैस्मिन को जादुई कारपेट में बिठा के उसे घुमाने लेके जाता है, पर कुछ देर बाद जैस्मिन अलादीन को पहचान लेती है, लेकिन अलादीन तब भी जैस्मिन को सब कुछ सच ना बता के झूठ ही बोलता है और कहता है कि वो अलादीन यानी कि गरीब बन के इसलिए रह रहा था ताकि वो अग्रबाग के आवाम को और करीब से जान पाए। अब अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद पैलेस लौटते वक्त याको उन्हें मैजिक कारपेट पर देख लेता है, लेकिन जैस्मिन से मिलने के बाद अलादीन बहुत खुश होता है, पर जीनी उसे सब कुछ सच बता देने के लिए कहता है, जिसे अलादीन भी एग्री करता है और कहता है कि सही वक्त आने पर वो शहजादी को सब कुछ बता देगा। पर सुबह जाफर के गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और उसको विंडो के बाहर समुन्दर में फेंकने की तैयारी करते हैं, क्योंकि जाफर को पता चल चुका होता है कि वो प्रिंस अली नहीं बल्कि अलादीन है। अब उसके पास लैंप है, ये बात कंफर्म करने के लिए वो उसे नीचे फेंक देता है, क्योंकि अगर वो मर जाता है इसका मतलब उसके पास जादुई लैंप नहीं है, और अगर वो जीनी के मदद से जिंदा बचता है तो इसका मतलब उसके पास लैंप है। अब इसी सब के बीच अबू लैंप
लैंप लेके मैजिक कारपेट पर बैठ के अलादीन को बचाने चला आता है। इधर समुंदर के अंदर अलादीन कुछ नहीं कर पाता है, पर तभी वहाँ अबू आके लैंप पानी में गिरा देता है, लेकिन अलादीन को होश नहीं होने पर वो चिराग को घिस नहीं पाता है। पर तभी किस्मत से अलादीन का हाथ लैंप पर टच हो जाता है, जिससे जीनी बाहर आ जाता है और अलादीन के एक विश को यूज करके उसे बचा लेता है। लेकिन इधर जाफर आके सुल्तान को झूठ बोलता है कि प्रिंस अली उनके मुल्क पर हमला करने वाले हैं। पर तभी वहाँ जैस्मीन एंड अलादीन आ जाते हैं और जाफर को असली दुश्मन बताते हैं। अलादीन को जिंदा देख के जाफर खुश हो जाता है और सुल्तान को उसके खिलाफ हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, ताकि सुल्तान अलादीन को कैद कर ले और जादुई चिराग उसको मिल जाए। लेकिन तभी अलादीन जाफर के जादुई छड़ी को तोड़ डालता है, जिससे सुल्तान होश में आ जाते हैं और गद्दारी के इल्जाम में जाफर को जेल में बंद कर देते हैं। पर कुछ देर बाद जेल में यागो आता है चाबी लेके और जाफर को वहाँ से भागने में मदद करता है। अब यही सब चलते सुल्तान अलादीन को शुक्रिया बोलते हैं जाफर की असलियत सामने लाने के लिए, और अलादीन के साथ शहजादी की शादी करवाने के लिए भी राजी हो जाते हैं। जिसके बाद अलादीन डिसाइड करता है कि वो अपना लास्ट विश जीनी को फ्री करने के लिए यूज नहीं करेगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो बिना जीनी के प्रिंस बनके नहीं रह पाएगा। अब अलादीन को ऐसी झूठ लाइफ को कंटिन्यू करता देख जीनी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है और नाराज होकर लैंप के अंदर चला जाता है। इसके बाद अलादीन भी महल छोड़ के अपने पुराने घर में जाने लगता है, लेकिन रस्ते में जाफर लैंप को उसके पास से चोरी कर लेता है। अब इस बात से अनजान अलादीन जीनी के बातों को सोचने लगता है, पर जब उसे एहसास होता है कि जीनी सही है और उसे जैस्मिन को सब कुछ सच बता देना चाहिए, पर तभी उसे रियलाइज होता है कि लैंप उसके पास नहीं है। अब इधर पैलेस में जाफर सबके सामने जीनी से सुल्तान बनने की विश मांगता है, जिसके बाद सुल्तान के सबसे लॉयल सोल्जर हकीम नए सुल्तान को सर्व करने लगता है। पर जैस्मिन उसे बताती है कि उसे उस सुल्तान को सर्व करना चाहिए जो सबका अच्छा करे, ना कि जो सिर्फ अपने बारे में सोचे। ये सुन के हकीम जाफर के अगेंस्ट चला जाता है, जिसके बाद जाफर जीनी से सेकंड विश मांग लेता है, जहां वो कहता है कि उसे सबसे पावरफुल जादूगर बनना है। अब विश पूरी होने के बाद वो सारे सोल्जर्स को जेल में भेज देता है, पर वहां अलादीन छिपके से आ जाता है और लैंप लेने की कोशिश करता है, पर उसे यागो देख लेता है और वो पकड़ा जाता है। इसके बाद जाफर सबके सामने अलादीन का सच्चाई बता देता है एंड उसको और अबू को मारने के लिए बर्फीले जगह पर भेज देता है। फिर जाफर सुल्तान और डालिया को मारने की धमकी देता है और शहजादी को मजबूर करता है उससे शादी करने के लिए। लेकिन तभी जीनी जाफर के पीछे से मैजिक कारपेट को अलादीन के पास भेज देता है उनको बचाने के लिए। अब शादी होने के टाइम जैस्मिन अलादीन को दूर से आते हुए देखती है, जिसके चलते वो जाफर के पास से लैंप ले लेती है और कारपेट पर जंप कर जाती है, जिसके बाद जाफर यागो को एक बड़े से तोते में ट्रांसफॉर्म कर देता है और उनके पीछे भेज देता है लैंप लाने के लिए। अब यही सब चलते यागो लैंप को उनके पास से ले लेता है, लेकिन तभी सुल्तान जाफर के जादुई छड़ी को फेंक देते हैं, जिसके कारण यागो फिर से नॉर्मल तोते में कन्वर्ट हो जाता है और अब वो उसके पास से लैंप ले लेता है। अब इसके बाद जाफर गुस्से में अपने मैजिकल पावर से जैस्मिन और अलादीन को पकड़ लेता है और अपने पास लेके आ जाता है, जहां अलादीन उसे अपने बातों में फंसाने की कोशिश करता है और बताता है कि वो कितनी भी पावरफुल बनने की कोशिश कर ले, पर वो हमेशा दूसरा पावरफुल इंसान ही रहेगा, क्योंकि जीनी सबसे ज्यादा पावरफुल है। अब ये सब सुनने के बाद लालची जाफर जीनी से अपना लास्ट विश मांग लेता है, जहां जीनी उसकी विश पूरा कर देता है और उसको दुनिया की सबसे पावरफुल जीनी बना देता है। अब जाफर जब अपने पावर को यूज करने वाला होता है, तभी अलादीन उसे पॉइंट आउट करता है कि जीनी का पावर एक प्राइस के साथ आता है, जिसके बाद जाफर के हाथ में गोल्डन ब्रेसलेट और रहने के लिए प्रिजन लैंप आ जाता है। अब क्योंकि जाफर एक जीनी बन चुका होता है और उसके पास कोई मास्टर नहीं होता है, तो इसलिए वो लैंप के अंदर कैद हो जाता है। अब इसके बाद अगरबा जाफर के काले जादू से फ्री हो जाता है और जीनी जाफर वाले लैंप को जादुई केव में भेज देता है। इसके बाद अलादीन सुल्तान और जैस्मिन से माफी मांगता है उनसे झूठ बोलने के लिए और अपने लास्ट विश में जीनी को फ्री कर देता है, जिससे जीनी इंसान बन जाता है। अब लास्ट में सुल्तान जैस्मिन को नया सुल्तान घोषित कर देते हैं और अलादीन के साथ शादी करने के लिए भी कहते हैं, जिसके बाद जैस्मिन और अलादीन की शादी हो जाती है और साथ ही में हम जीनी और डालिया को भी एक साथ रहते हुए देखते हैं, जिनके बाद में दो बच्चे भी होते हैं। और मूवी की स्टार्टिंग में बोर्ड पर वो आदमी जीनी ही होता है जो अपने बच्चों को अलादीन, शहजादी और मैजिक लैंप के बारे में कहानी सुना रहा होता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पर लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।